फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की वूल से, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीडल ली है मैंने 10 नंबर की, बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगे। तो इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए 40 फंदे सिंगल धागे से डाल के, और यहाँ पर मैंने 8 सिलाई सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है, और उल्टी तरफ से भी ध्यान से देखिए उल्टी उल्टी बना के मैंने टोटल 8 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट की। 8 सिलाई में हमारे 1 2 3 4 4 डिजाइन आए हैं। तो अब यहाँ से ये 4 सिलाई, ये डिजाइन डालने के बाद, यानी कि 8 सिलाई बनाने के बाद, यहाँ से मानिए डिजाइन ऊपर हम किस तरह से डालेंगे। तो पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। यानी कि एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधे की ये पहली डिजाइन की सिलाई को आप बना के सीधी साइड से कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन की पहली सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा, जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा है उस पर वैसा ही बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। पहला फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, पहले फंदे को उतारा, धागा पीछे किया, ये सीधा फंदा है तो सीधे पर सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा है तो सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे पर सीधा, यानी कि जो जैसा फंदा दिख रहा है उस पर वैसा ही बना लेंगे। उल्टी साइड है और दूसरी सिलाई है, उल्टे फंदे पर उल्टा, ये सीधा फंदा है तो सीधा बनाएंगे, आगे ये उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे पर सीधा। तो इस तरह से दूसरी सिलाई बना के हम कंप्लीट कर लेंगे, सीधे पर सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा तो उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये हमने दूसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहां से देखिए डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। दूसरी और तीसरी सिलाई की तरह ही आगे आप डिजाइन की सिलाई, कुछ सिलाइयां बनाएंगे। तो पहला फंदा उतारा, धागे पीछे किया, अब की बार जो ये सीधा फंदा, इसको ऐसे नहीं बुनना है, ऐसे नहीं बुनना है, इसको यहां पर होल से निकाल के बनाना है सीधे को, धागा अपनी ओर, जो उल्टा फंदा है उसको नॉर्मली उल्टा ही बनाना है, धागा पीछे, ये सीधा फंदा है, इसको फिर से बताऊंगी ऐसे नहीं बनाना है, इसको यहाँ जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ से निकाल के बनाना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को होल से निकाल के। ये हमारी डिजाइन की मेन सिलाई है यहाँ पर, और सीधी सिलाई है, यानी कि तीसरी सिलाई की तरह है, और चौथी सिलाई की तरह ही हमने आगे कुछ सिलाइयाँ और बनानी। तो इस सिलाई पर ध्यान दीजिए, होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस सीधे फंदे को यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा तो इसे उल्टा ही बनाएंगे, सीधे फंदे को यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के सीधा बनाएंगे,
धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को यहाँ होल से निकाल के सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा है तो यहाँ होल से निकाल के सीधा फंदा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को यहाँ होल से निकाल कर बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को यहाँ होल से निकाल कर बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को होल से निकाल कर सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये हमने यहाँ पर अपनी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की चौथी सिलाई। चौथी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। चौथी सिलाई को भी हम सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है उस पर वैसा ही, जो ये सीधा फंदा है इसको होल से निकाल के बुन लेंगे। धागा अपनी ओर ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को, सीधे फंदे को होल से निकाल के धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो ये सीधा फंदा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को, सीधे को होल से निकाल के, यानी कि हमने इसे तीसरी सिलाई की तरह ही बनाना है। धागा पीछे, सीधा फंदा है तो इसे होल से निकाल के ऐसे बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा ऐसे उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे होल से निकाल कर बनाएंगे। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल कर, तो इस सिलाई को हम जो जिस कलर जैसा फंदा, सीधे पर सीधा, सीधे पर होल से निकाल के बनाएंगे और उल्टे फंदे को हम नॉर्मली उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पर चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। उल्टे पर उल्टा, सीधे पर होल से निकाल के, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को होल से निकाल के सीधा ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट के फंदे को ऐसे सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोर्थ सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है डिज़ाइन की फिफ्थ सिलाई। तो आगे हम कुछ सिलाइयाँ, जैसे तीसरी और चौथी सिलाई बनाई है हमने, उसी तरह से मैं कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बुटीज किस तरह से बनाएंगे। ये होल से निकालने से हमारा ये वाली फली उभरी उभरी सी बनती हुई आएगी, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बनता हुआ आएगा। तो मैं ये तीसरी और चौथी सिलाई की तरह कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बुटीज को बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सिलाइयाँ बना के तीसरी और चौथी सिलाई की तरह ही कंप्लीट कर ली। तो हम काउंट करते हैं ये हमारे इस तरह से डिज़ाइन कितने आए हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक, ये नौ। नौ डिज़ाइन मेरे इस तरह से बनते आए हैं। नौ डिज़ाइन में 18 सिलाई बन के कम्प्लीट है।
अब हमने आगे क्या करना है, ये ऊपर 40 फंदे हैं, यहाँ से मैंने 40 फंदे से ही इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो 40 फंदे में हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और 13। 13 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बनाए हैं इधर से, 13 हम यहाँ से बनाएंगे। बीच वाले फंदों को हम दो का एक बाइंड ऑफ करेंगे, तो दो का एक एक बार फिर से, दो का एक दो बार फिर से, दो का एक तीन बार फिर से, दो का एक चार बार फिर से, दो का एक पांच बार। यहाँ पर हम 13 फंदे छोड़ेंगे, दो चार छ आठ दस बारह और एक 13, ये हम पांच बार हमने किया है, दो बार और करेंगे, तो पांच बार 6 बार और ये लास्ट में 7 बार। 7 बार इस तरह से हमने दो का एक किया है। अब ये 13 फंदे इधर हमने ये जो बचे हैं इनको जैसे यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाया था, तो इसे हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये देखिए हमने लास्ट के 13 फंदों को भी उल्टा उल्टा बना लिया, लास्ट के फंदे को सीधा। यहाँ पर हमने दो का एक किया है, दोनों साइड 13 13 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बनाए। आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इस सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले हमने यहाँ पर 13 फंदे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 15 फंदे हम ऐसे उल्टे बना के दो बार हम दो का एक करेंगे, एक बार दो का एक और एक बार फिर से दो का एक। अब ये हमारे इधर भी 15 फंदे हैं, इनको भी हम ऐसे ही बचे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे एक फंदा इस तरह से सीधा। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमने कुछ सिलाइयाँ सीधी तरफ से भी जैसे ऐसे बनाई थी उल्टी उल्टी, और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो मैं ये कुछ सिलाइयाँ दोनों तरफ से इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे इसकी हम किस तरह से बुटीज की सिलाई करेंगे। तो मैं ये इस तरह से सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी मैं यहाँ पर सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से भी हम ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे।
लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बुटीज की बीच से शेप इस तरह से आई, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदों को घटाया है। तो अब ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर देखते हैं फाइनल लुक बुटीज का किस तरह से बनता हुआ आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजाइन मैंने बनाए, 9 डिजाइन है। तो मैंने 18 सिलाई यहाँ से, जहाँ से फंदे को बीच में कम किया था, यहाँ से लगाएंगे तो मैंने 18 सिलाई टोटल उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट की है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर 2 का 1 इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर से 2 का 1 फिर से इस फंदे को इसमें डाल के 2 का 1 करते हुए ऐसे सभी फंदों को हम यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सभी फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया है। ऐसे धागे को थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पर सिलने के लिए थोड़ा सा लंबा रख के, और इसको हम यहाँ से कट करके और धागे को नीडल में डाल देंगे। नीडल में धागा डाल लिया, अब हम इसकी करेंगे सिलाई। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके अंदर से ऐसे हम नीडल को निकाल लेंगे ताकि ये फंदा लास्ट वाला टाइट हो और खुले नहीं। अब इसको, ये है हमारी सीधी साइड, सीधी साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे। तो ये सीधी साइड है, इसे मैं से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। यहाँ से हम इसकी, यहाँ से नीचे तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी करेंगे सिलाई। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी कि बुटीज की सिलाई किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से उंगली में लेके और आप इस तरह से आप सिलाई कर लीजिए। यहाँ नीचे तक हम इसको सिल लेते हैं, पूरा सिलने के बाद मैं बताती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर नीचे तक इसको सिल लिया है। सिलने के बाद देखते हैं इसकी फाइनल लुक किस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, बनने के बाद बिल्कुल बच्चे के पैर में सॉफ्ट सॉफ्ट ये बुटीज आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ एंड तक, नीचे तक इसको सिल के कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से, और अब देखते हैं इसको सीधा करके इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बुटीज की फाइनल लुक इस तरह से बनती हुई आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुटीज की फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरी बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।